हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे चैनल एस सी टीच पर। यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आ रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज का टॉपिक है हमारा हाउ टू फाइंड पी आई। इसका केस कौन सा है? थर्ड केस। थर्ड क्या है? जब क्यू एक्स क्या हो आपके पास में एक्स की पावर एम हो। इससे पहले भी दो केस हमने आपको पढ़ा रखे हैं, तो आप हमारे चैनल पर जाकर वो देख सकते हैं। अब हम देखते हैं कि हम पी आई कैसे फाइंड करते हैं। पी आई फाइंड करने के लिए हमें निकालना होता है वन अपॉन एफ डी इंटू क्यू एक्स की वैल्यू। और यहाँ पर क्यू एक्स क्या दिया गया है? एक्स की पावर एम। ठीक है, अब आप जानते हो एफ डी क्या होता है, फंक्शन ऑफ डी होता है। जो क्या क्या हो सकता है, ये एक एक घात का बहुपद हो सकता है, दो घात बहुपद हो सकता है। कहाँ आएगा? डी के अंदर दो घात का बहुपद, डी के अंदर एक घात का बहुपद, डी के अंदर तीन चार पाँच कितनी भी घात का बहुपद हो सकता है। तो हम क्या लेते हैं कि माना कि एफ डी क्या है, हमारे पास में आता है एक घात का बहुपद आता है डी माइनस एल्फा। तो हम इसका पी आई कैसे फाइंड करेंगे? हम देखते हैं एफ डी की वैल्यू क्या हुई, डी माइनस एल्फा, और क्यू एक्स क्या है, एक्स की पावर एम। तो इसका पी आई फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम यहाँ से क्या करेंगे, कॉन्स्टेंट को कॉमन लेंगे। उस ये जिसके साथ प्लस है तो प्लस के साथ में कॉमन ले लेंगे, यदि माइनस है तो माइनस के साथ में उसको कॉमन ले लेंगे। तो हम यहाँ पर लेते हैं माइनस एल्फा को कॉमन, तो नीचे क्या बचा, वन माइनस डी अपॉन एल्फा, और ये क्या बच गया, एक्स की पावर एम। ठीक है, ये बच गया माइनस का वन अपॉन एल्फा। ये जब ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा, वन माइनस डी अपॉन एल्फा की पावर माइनस वन इंटू एक्स की पावर एम। माइनस का वन अपॉन एल्फा, वन माइनस एक्स की पावर माइनस वन, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, आप जानते हो वन माइनस एक्स की पावर माइनस वन का एक्सपेंशन क्या होता है, वन प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस डैश डैश डैश। ठीक है, तो इसका एक्सपेंशन क्या होगा, वन प्लस एक्स की वैल्यू क्या है, क्या है यहाँ पर, डी अपॉन एल्फा। तो ये हो गया वन अपॉन डी वन प्लस डी अपॉन एल्फा प्लस डी स्क्वायर अपॉन एल्फा स्क्वायर प्लस डी क्यूब अपॉन एल्फा क्यूब प्लस डैश 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 डैश, ऐसा चलता रहेगा इंटू एक्स की पावर एम। ठीक है, ये हो गया माइनस का वन अपॉन एल्फा। अब जब हम एक्स की पावर एम को अंदर मल्टीप्लाई कराते हैं तो वन से करेंगे तो एक्स की पावर एम आ गया। डी का मतलब क्या होता है, डी वाई डी एक्स है यहाँ पर। तो जब डी को एक्स की पावर एम से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या करेगा, एक्स की पावर एम का एक बार एक्स के सापेक्ष अवकलन कर देगा। तो हमें क्या वैल्यू मिलेगी, एम एक्स की पावर एम माइनस वन अपॉन एल्फा। डी स्क्वायर दो बार अवकलन कर देगा तो ये बनेगा एम एम माइनस वन एक्स की पावर एम माइनस टू अपॉन एल्फा स्क्वायर। ऐसे ही हम क्या करेंगे, डी क्यूब तीन बार कर देगा, तो ऐसे चलता रहेगा। और लास्ट वाली वैल्यू में कितनी प्राप्त होगी, जैसे माना लास्ट के अंदर कितना आएगा, इसके अंदर जैसे एम वे पद तक जाएगा, ये एम प्लस वन होते ही क्या होगा, यदि एक्स की पावर एम का हम एम प्लस वन बार अवकलन कर दें तो इसकी वैल्यू जीरो आ जाएगी। तो एम बार जब इसका अवकलन कर देंगे, मतलब जैसे हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर का तीन बार अवकलन करो तो क्या आएगा, जीरो हो जाएगी। और दो बार करोगे तो जीरो वैल्यू नहीं आएगी। ठीक है ना, तो वैसे हम क्या करते हैं, यहाँ पर बीच में अनंत तक जाएगा ये, तो बीच में कोई एम वा पद भी आएगा। तो हमने क्या मान लिया, एम वा पद आया डी की पावर एम अपॉन एल्फा की पावर एम। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, एम तो फैक्टोरियल आएगा, एक्स का पूरी बार अवकलन हो जाएगा तो इसकी जगह तो वन आएगा और नीचे क्या आ जाएगा, एल्फा की पावर एम। ठीक है, समझ गए ना आप। अब क्या करते हैं, माइनस वन अपॉन एल्फा को अंदर मल्टीप्लाई करा दो चाहे, तो ये क्या बन गया, माइनस का एक्स की पावर एम अपॉन एल्फा माइनस का एम एक्स की पावर एम माइनस वन अपॉन एल्फा स्क्वायर माइनस का एम एम माइनस वन एक्स की पावर एम माइनस टू अपॉन एल्फा क्यूब प्लस माइनस आएगा डैश 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 माइनस का एम फैक्टोरियल अपॉन एल्फा की पावर एम प्लस वन। तो ये आ गया इसका हमारे पास में क्या, पी आई आ गया। इस प्रकार से आप पी आई फाइंड कर सकते हैं जब क्या हो आपके पास में एफ डी एक घात बहुपद के रूप में हो। अब मान लो एफ डी आपके पास में दो घात बहुपद के रूप में हो तो आप उसको कैसे सोल्व करोगे। तो मान लिया कि एफ डी है आपके पास में कैसे कि डी स्क्वायर प्लस टू डी प्लस वन, एक बार हम कुछ मान लेते हैं इसे, जैसे ये है, और क्यू एक्स आपको दिया गया है एक्स की पावर एम। ठीक है, तो पी आई कैसे फाइंड करोगे आप, वन अपॉन एफ डी यानी डी स्क्वायर प्लस टू डी प्लस वन, और क्यू एक्स क्या है आपके पास में एक्स की पावर एम। आपको क्या करना है, कॉन्स्टेंट कॉमन लेना है उसके साइन के साथ में। ठीक है,
तो आप कॉमन लेते हो क्या, वन कॉमन ले लिया, वन तो वन आ जाएगा, इसको आप क्या लिख सकते हो, वन प्लस डी स्क्वायर प्लस टू डी, ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। और ये हो गया एक्स की पावर एम, इस पूरे को यदि आप एक्स मान लो, ठीक है, तो ये ऊपर जाए क्या बन जाएगा, वन प्लस डी स्क्वायर प्लस टू डी, इसको हम क्या करते हैं बड़े ब्रैकेट में ले लेते हैं, इसको छोटे में एक साथ ले लेते हैं, ये इन्वर्स हो जाएगा और ये एक्स की पावर एम, ठीक है। और ये फिर से बन गया वन प्लस एक्स की पावर माइनस वन का एक्सपेंशन, तो क्या होता है वन माइनस का एक्स, सॉरी ये इधर बता दूँ मैं आपको पहले, वन प्लस एक्स की पावर माइनस वन का एक्सपेंशन क्या होता है, वन माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब प्लस डेड डेड चलता रहेगा, ठीक है। तो ये क्या हुआ, वन माइनस डी स्क्वायर प्लस टू डी, ठीक है, प्लस डी प्लस टू डी का होल स्क्वायर माइनस डी प्लस टू डी का होल क्यूब प्लस डैश 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 ऐसा चलता रहेगा और बाहर आ गया एक्स की पावर एम। हम क्या करेंगे, एक तो वन आ गया पहली बार, तो फिर आ गया माइनस का डी स्क्वायर, ये स्क्वायर है यहाँ पर सब जगह, ठीक है, माइनस का डी स्क्वायर, ये आ गया माइनस का टू डी। एक्स की पावर एम का मैक्सिमम कितनी बार अवकलन हम कर सकते हैं, एम बार कर सकते हैं, एम प्लस वन, एम से आगे जाते इसका अवकलन क्या होगा, जीरो होगा। तो जब हम ये इसको आगे सोल्व करेंगे तो एक ना एक पद ऐसा आएगा जिसकी वैल्यू एम के इक्वल आएगी, ठीक है, तो वहाँ तक हम पद ले लेंगे सारे, ठीक है ना, जैसे ये सारे पद लेते जाएंगे, डैश डैश चलता जाएगा वहाँ तक जहाँ तक एम के इक्वल वैल्यू नहीं आ जाए, वहाँ तक हम सारे पद ले लेंगे, उसके आगे के सारे पदों को छोड़ देंगे, क्योंकि जब उन पदों को हम इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो वो पद क्या करेंगे, उसका एम से ज़्यादा बार अवकलन करेंगे, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो आगे वाले पदों को लेने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है, तो हम एम तक जहाँ तक हम देख रहे डी की पावर एम आ जाए ना मैक्सिमम, वहाँ तक हम ले लेंगे उसको, ठीक है, और बाहर एक्स की पावर एम। फिर हम क्या करेंगे, एक्स की पावर एम को सबसे अंदर मल्टीप्लाई करा देंगे और उसके जितनी बार अवकलन कर रहे हैं वैसे अवकलन करके लिख देंगे, वो उसका पी आई आ जाएगा। अब हम लेते हैं इसका एक एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल से इसको समझने की कोशिश करते हैं। बराबर एक्स स्क्वायर, इसका हमें क्या करना है, सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, इसका सी एफ निकालते हैं, तो सी एफ तो हम छोड़ते हैं, पर हम तो उसका केवल पी आई निकालेंगे यहाँ पर। यदि आपको सी एफ निकालना नहीं आता है तो इससे पहले हमने सी एफ निकालना भी सिखा रखा है, तो आप वो वीडियो जाकर जरूर देखें, ठीक है। तो इसका पी आई कैसे निकलेगा, पी आई के लिए चाहिए हमको वन अपॉन एफ डी, एफ डी की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, डी स्क्वायर माइनस फोर डी प्लस फोर इंटू क्यू एक्स, क्यू एक्स की वैल्यू कितनी है एक्स स्क्वायर, इसकी वैल्यू चाहिए। हमारे सामने एफ डी क्या है, द्विघात बहुपद के रूप में है, डी के द्विघात बहुपद के रूप में है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर जो कॉन्स्टेंट है उसको उसके साइन के साथ में कॉमन ले लेंगे, फोर कॉमन आ गया, तो अंदर क्या बचा, वन प्लस डी स्क्वायर माइनस फोर डी अपॉन फोर और ये एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब हम इसे क्या लिख सकते हैं, वन अपॉन फोर, और ये ऊपर जाए क्या हो जाएगा, वन प्लस डी स्क्वायर माइनस का फोर डी अपॉन फोर का इनवर्स इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया वन अपॉन फोर। अब हम कर देते हैं इसका एक्सपेंशन, वन प्लस एक्स की पावर माइनस वन, यानी वन माइनस एक्स, यानी एक्स की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, डी स्क्वायर माइनस फोर डी अपॉन फोर, प्लस एक्स स्क्वायर होता है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, डी स्क्वायर माइनस फोर डी अपॉन फोर का स्क्वायर। फिर क्यूब होता है इसका, तो क्यूब करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब हम क्यूब करेंगे तो उसके अंदर जितनी भी टर्म आएगी वो डी की पावर दो से ज़्यादा ही आएगी, ठीक है ना। और यदि डी की पावर दो से ज़्यादा है तो वो एक्स स्क्वायर का जब अवकलन करेंगे तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, जीरो आएगी, ठीक है। जैसे हम आपको लेके बता देते हैं एक बार, जैसे ले लिया डी स्क्वायर माइनस फोर डी अपॉन फोर अपॉन क्यूब प्लस डैश, सॉरी माइनस, यहाँ माइनस आएगा, प्लस डैश 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 और बाहर है एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब हम सबको अलग अलग कर लेते हैं, तो वन माइनस, एक तो डी स्क्वायर बाई फोर हो गया, और ये माइनस और माइनस जब प्लस हो जाएगा तो ये बच गया डी, ठीक है। इसको जब हम एक्सपेंशन करेंगे इसका, तो ये क्या बन जाएगा अंदर, डी की पावर फोर। अब देखो जैसे डी की पावर फोर आया यहाँ पर, तो जब हम इसका चार बार अवकलन कर देंगे तो एक्स स्क्वायर का तो जीरो हो जाएगा, वो तो सिंपल बात है, ठीक है ना। इसके नीचे कितना आएगा, सोलह आएगा, और ये हो गया कितना, सोलह डी स्क्वायर प्लस का सोलह डी स्क्वायर बटा सोलह हो गया ये, और फिर आई क्या आएगा, माइनस का आठ डी क्यूब बटे सोलह, ठीक है। और अब इसके अंदर जितनी टर्म आएगी, जैसे डी स्क्वायर का क्यूब कितना होगा, छः हो जाएगा,
डी का क्यूब हो जाएगा। तो सब क्या है, सबकी पावर क्या है, दो से ज़्यादा है, तो ये क्या करेंगे, सब एक्स स्क्वायर का अवकलन करके उसको जीरो कर देंगे, तो उन पदों को लेने की ज़रूरत है ही नहीं, ठीक है, तो उन सबको हम छोड़ देंगे। अब क्या हो गया, 1/4। अब हम क्या करते हैं कि जैसे डी की पावर 4 है, तो हम क्या करते हैं एक्स स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई कर देते सबसे, तो ये क्या हो गया एक्स स्क्वायर। जब डी स्क्वायर से हम एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या करेगा, दो बार इसका अवकलन कर देगा, तो यहाँ क्या बनेगा हमारे पास में, दो पहली पहली बार में तो क्या आएगा 2x आएगा, फिर वापस कर देंगे तो क्या आएगा 2 आएगा, और नीचे क्या आ गया 4 आ गया, ठीक है। डी क्या करेगा, एक बार अवकलन कर देगा तो 2x, डी की पावर 4 चार बार अवकलन कर देगा तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, 0 आ जाएगी। ऐसे ही ये क्या हो गया 16 16 गया, तो डी स्क्वायर दो बार अवकलन कर देगा तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। तीन बार करेगा तो फिर 0 आ जाएगी, ठीक है ना। तो हमारे पास अभी क्या निकल के आया, 1/4 एक्स स्क्वायर माइनस का 1/2 प्लस का 2x+2। इसको और सोल्व कर लेते हैं तो क्या बन गया, 1/4 एक्स स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 3/2, ठीक है। और अब आप इसको चाहे अंदर मल्टीप्लाई करा दो, एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 माइनस का 3/8, तो ये क्या आ गया हमारे पास में, इसका पी आई आ गया। तो इस प्रकार से आप पी आई फाइंड कर सकते हैं जब क्या हो आपके पास में, क्यू एक्स क्या हो, एक्स की पावर एम के रूप में हो।